वेलकम एवरीवन। आज का पाठ उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है और आज इस कविता के प्रश्न अभ्यास मैं आपको करवा रही हूँ। आप फेयर नोट में नोटबुक में ये नोट डाउन कर सकते हैं। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? यहाँ निराला जी जो हैं विद्रोही कवि हैं, वे समाज में क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते थे। वे क्रांति चेतना का आह्वान करने में विश्वास करते थे जो ओज और जोश पर निर्भर करती थी। ओज और जोश के लिए कवि बादलों को गरजने के लिए कहता है। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? यह एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत होता है जिसमें किसी व्यक्ति का आह्वान किया जाता है या वस्तु का आह्वान किया जाता है, जिसमें कवि ने उत्साहपूर्ण ढंग से अपने प्रगतिवादी स्वर को प्रकट किया है। वह बादलों से गरज गरज कर सारे संसार को नया जीवन प्रदान करने की प्रेरणा देता है, जिनके भीतर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है। बादल क्या होते हैं? उनमें बिजली की शक्ति होती है और वह संसार को नई प्रेरणा और जीवन प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसलिए कवि ने बादलों के विशेष गुण के आधार पर इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल ललित कल्पना और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। एक तरफ यह पीड़ित प्यासे लोगों की आशाओं और आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वह नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। शब्दों का ऐसा प्रयोग कीजिए जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो। नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। यहाँ पर देखो, घेर घेर घोर गगन, यहाँ पर भी नाद सौंदर्य है। धाराधर ललित ललित, काले घुंघराले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, विकल विकल उन्मुन थे उन्मुन, ये सभी शब्द जो हैं वो नाद सौंदर्य को बताते हैं। दूसरी हमारी कविता जो है वह है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, इसमें पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया में सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़ करके यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे गंध गंध पुष्प माला, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यह जो पंक्तियां हैं अंतर मन के भावों को बाहर लाने की दुनिया में सामंजस्य बिठा रही हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? अज्ञात सत्ता रूपी कवि के प्रियतम और वो जो फागुन की शोभा है उसकी सुंदरता हर कण में व्याप्त है। उनकी श्वास के द्वारा प्रकृति का कोना कोना सुगंध से भरा हुआ था, आपूरित था। वहीं कवि के मन में तरह तरह की कल्पनाएं जो थी वह आ जाती हैं और उनमें विशेष आकर्षण था जिससे कवि आंख हटाना नहीं चाहता है, इसीलिए उसकी दृष्टि हट नहीं रही है। ये वाला प्रश्न भी आप नोट डाउन कर सकते हैं और अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको किसी भी अपने वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश हमारी यही रहती है कि बच्चों की कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दी जाए। यहाँ देखिए, कवि ने प्रकृति की व्यापकता को फागुन की सुंदरता के रूप में प्रकट किया है। यहाँ पर फागुन की सुंदरता का पूरी कविता में आपको वर्णन मिल जाएगा। उसके बाद आप ये देखिए, यहाँ ये वाला प्रश्न जो है यहाँ तक आपको लिखना है।
फागुन में ऐसा क्या होता है जो कि बाकी ऋतुओं से अलग होता है? देखो ये तो आप खुद भी लिख सकते हो, पेड़ पौधों की शाखाएं हरे भरे पत्तों से लद जाती हैं। इस प्रकार से आप ये वाला प्रश्न लिख करके इसे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषताएं बतानी है यहाँ पर कि वो छायावादी कवि थे और उनकी कविता में कहीं ना कहीं जो है कोमलता और शिल्प की कोमलता बनी रहती है, और उनकी भाषा की ये विशेषताएं हैं। ये आप देखो सब नोट डाउन कर लीजिए आप, ये भाषागत कोमलता है, कोमलता शब्दों की मधुर योजना है, लाक्षणिक प्रयोग है, संगीतात्मकता, चित्रात्मकता, लोकगीतों जैसी भाषा और मुक्त छंद अलंकार योजना, ये सब जो हैं आपके कवि की विशेषताएं हैं। फिर अन्य प्रश्नों की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कवि ने किसका आह्वान किया और क्यों किया। बादलों का उन्होंने आह्वान किया था, क्यों किया था? क्योंकि वो धरती को नया जीवन प्रदान करते हैं। कवि बादलों से बरस कर क्या करने के लिए कहता है? कहता है कि गर्मी की जो धरती है बहुत तप गई है, उसे ठंडा करने के लिए वह कहता है। फिर बादल किधर से आकर आकाश में छा जाते हैं, उसे पता नहीं है कि कौन से कोने से आ जाते हैं। ये वाला आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। किस छंद का प्रयोग किया गया है? यहाँ अतुकांत छंद है, तुकबंदी नहीं है, यानी कि लास्ट के जो अक्षर हैं वो मेल नहीं खा रहे हैं। फिर भी लयात्मकता है, यानी संगीतमय है कविता। और कवि ने ये देखो बादलों के माध्यम से किस प्रकार की प्रतीकात्मकता को प्रस्तुत किया है। यहाँ पर सामाजिक क्रांति का बादलों के माध्यम से आह्वान किया है, क्योंकि बादल सृजन भी कर सकते हैं और संहार भी कर सकते हैं। उसके बाद हट नहीं रही इस कविता के अन्य प्रश्न आप देख सकते हो। ये सारे